Hallelujah, hallelujah. 26 फरवरी 2020 जोएल नबी का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 12 से 18 तक। प्रभु यह कहता है, अब तुम लोग उपवास करो और रोती तथा शोक मनाते हुए पूरे हृदय से मेरे पास लौट आओ। अपने वस्त्र फाड़ कर नहीं बल्कि हृदय से पश्चाताप करो और अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट जाओ, क्योंकि वह करुणामय, दयालु, अत्यंत सहनशील और दया सागर है, और वह सहज ही द्रवित हो जाता है। क्या जाने वह द्रवित हो जाए और तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करे, तब तुम लोग अपने प्रभु ईश्वर को बलि और तर्पण चढ़ाओगे। सियोन पर्वत पर तुरी बजाओ, उपवास घोषित करो, सभा की बैठक बुलाओ, जनता को इकट्ठा करो, बूढ़ों, बालकों और दूध मुहे बच्चों को भी बुला लो। दुल्हा और दुल्हन अपना कमरा छोड़कर चले आए। प्रभु ईश्वर की सेवा करने वाले याजक मंदिर में वेदी के सामने रोते हुए इस प्रकार प्रार्थना करे, प्रभु अपनी प्रजा पर दया कर, अपने लोगों का अपमान ना होने दे, राष्ट्रों में उनका उपहास ना होने दे, गैर यहूदी यह न कहने पाए कि उनका ईश्वर कहाँ रह गया। प्रभु की वाणी, ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। ग्रंथियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 5 पद संख्या 20 अध्याय 6 पद संख्या 2। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो ईश्वर हमारे द्वारा आप लोगों से अनुरोध कर रहा हो। हम मसीह के नाम पर आपसे यह विनती करते हैं कि आप लोग ईश्वर से मेल कर ले, क्योंकि वह कहता है, उपयुक्त समय में मैंने तुम्हारी सुनी, कल्याण के दिन मैंने तुम्हारी सहायता की, और देखिए अभी उपयुक्त समय है, अभी कल्याण का दिन है। प्रभु का सुसमाचार, क्रिस्त की जय। हालेलुया, हालेलुया। संत मती का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 1 से 6 और 16 से 18 तक। सावधान रहो, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपनी धर्म कार्यों का प्रदर्शन ना करो, नहीं तो तुम अपने स्वर्गीय पिता के पुरस्कार से वंचित रह जाओगे। जब तुम दान देते हो तो इसका ढिंढोरा नहीं पिटवाओ, ढोंगी सभागृहों और गलियों में ऐसा ही किया करते हैं, जिससे लोग उनकी प्रशंसा करें। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम दान देते हो तो तुम्हारा बायां हाथ यह ना जानने पाए कि तुम्हारा दायां हाथ क्या कर रहा है। तुम्हारा दान गुप्त रहे और तुम्हारा पिता जो सब कुछ देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। ढोंगियों की तरह प्रार्थना नहीं करो, वे सभा ग्रहों में और चौकों पर खड़ा होकर प्रार्थना करना पसंद करते हैं, जिससे लोग उन्हें देखे। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम प्रार्थना करते हो तो अपने कमरे में जाकर द्वार बंद कर लो और एकांत में अपने पिता से प्रार्थना करो। तुम्हारा पिता जो एकांत को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। ढोंगियों की तरह मुंह दास बनाकर उपवास नहीं करो,
वे अपना मुंह मलिन बना लेते हैं जिससे लोग यह समझे कि वे उपवास कर रहे हैं। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम उपवास करते हो तो अपने सिर में तेल लगाओ और अपना मुंह धो लो, जिससे लोगों को नहीं केवल तुम्हारे पिता को जो अदृश्य है यह पता चले कि तुम उपवास कर रहे हो। तुम्हारा पिता जो अदृश्य को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। प्रभु की वाणी, ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया।